के मायूस ना आंगन से उखाड़ पौधे, अगर धूप निकली है तो बारिश भी यही होगी। मैं रिपीट करता हूँ कि उभग के मायूस धूप आया तो ज़्यादा कभी भी देर नहीं हुई। अगर हमें शुरुआत करनी है तो आज से और अभी शुरुआत कर रहे हैं और देखिए टीम आज भी है और आइए हमको तैयार हमारे हर रोज ऐसी है तो आज से शुरुआत की जाए और असेंबली जो है ऐसी देरी होनी चाहिए। ये हमारी आज की जब जाकर सही जगह से पहले आज के दिन ये सब लोग बताए या आप शांति बनेंगे प्रकार का जो आज कहाँ थे और आज के जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे काफी सारे लगा है। ये आपको काफी बताए ग्रेट ये प्लस नहीं बल्कि ये डबल प्लस ये डबल प्लस के लिए हमें काम करना है और उसमें दो चीज़ें आज के ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है पंक्चुअलिटी जो सीख रहा है मैंने यूट्यूब में डाला था 9 4 और बहुत सारे साथी थे राष्ट्र बनारस में जाम दिल्ली हमारे साथी इतने आए हैं गलती देख रहे हैं जीवन में कई आप यदि 10 बजे प्रोग्राम है प्रयास करिए कि 10 मिनट पहले पहुंचने का प्लान बनाए तो बिना प्लान के काम नहीं होता है। आप रोज 10 मिनट बाद निकलते हैं घर से उसी प्रयास के मन में पहले निकलते हैं। ये आपको एहसास होगा जिस दिन आप पहले जाग जाते हैं जिस दिन आप आधे घंटे लेट से जागेंगे एक दिन आधे घंटे पहले जाग जाएंगे आपके सारे काम एकदम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलते हैं बल्कि प्रायर होते हैं। इतना महत्वपूर्ण है पंक्चुअलिटी और दूसरी बात है पोलाइटनेस। जीवन में हमेशा विनम्र विद्या का मतलब विद्या दादा विनयम विन्यास या पात्र काम पात्रताम धनम आपनों से धना। सबसे पहले क्या है विनय। विनय का मतलब समान होते हैं जो वृक्ष जब फलदार होता है फल से उसकी डालियाँ झुक जाती हैं इसलिए झुक जाती हैं उस समय वह सबसे ज्यादा समृद्ध होता है। तो आप भी ज्ञान समृद्ध है और जो ज्ञान समृद्ध होगा उसकी पहचान यही होगी कि वह सबसे पहले क्या होगा विनय से विनम्र होगा। बी.ed है कोई M.ed है कोई PhD है कोई क्या है कोई क्या है मैडम जी आप जुड़ना सर मैडम जी Thank you.